रायपुर की बात करेंगे, जहां पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कोंडा गांव में जवान के खुद को गोली मारने के मामले पर हताहत होने वाली आम जनता की रिपोर्ट विभाग से मांगी है और अधिकारियों से कहा कि जो दर्द मैंने अन्य स्थानों पर जाकर देखा वह शारीरिक और परिवार का भी दर्द है, इस दर्द का हिसाब लेना होगा। वहीं इस बैठक के बाद उन्होंने सूखे नशे के खिलाफ में कार्रवाई को लेकर कहा कि सूखा नशा के लिए अलग सेल बनाकर कि इसको खत्म करने के लिए काम करेंगे और सख्ती से कार्रवाई कर इसे जड़ से समाप्त करने के लिए काम किया जाएगा। पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए मैं भी कुछ दिन पहले नारायणा हॉस्पिटल गया था। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैं 6 लोगों से मिला, IED लगा कर रखे हैं रास्तों पर और उसके ब्लास्ट होने से पैर कटा है, 25 साल के लड़के का पैर कटा है। अब IED से जवान ही नहीं खत्म हो रहे, मैंने विभाग से रिपोर्ट भी मांगा है कि कितने सिविलियंस इसमें ख़त्म हुए हैं। भाई वो भी आते जाते हैं उसी रास्ते से, उसी IED पर पैर पड़ता है, वो भी हताहत होते हैं उनको तो। और ये है कि चिकित्सा सुविधाओं में थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ जाती, तो मानवाधिकार के संदर्भ में इनके अधिकार का क्या हुआ, इनका विषय कौन उठाएगा? जिसका जीवन भर का एक पैर खत्म हो गया उसका विषय कौन उठाएगा?